बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल। शाहरुख खान की एंट्री तो देखने लायक थी और ये मूवी बार बार देखनी चाहिए। मैं तो अभी नेक्स्ट शो के लिए भी आने वाली हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स को लेकर। बहुत अच्छा। और अपना बोमन ईरानी एंड विकी कौशल, सबका काम अच्छा है, सबका इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अच्छे हैं, तो बराबर से बहुत अच्छी मूवी चलने वाली है। हाँ जी, सॉरी, मैं तो पूरा 10/10 SRK फैन हूँ, तो ऑब्वियसली 10/10। या थैंक यू सो मच। वन एंड ओनली डंकी, जो साल की सबसे बेहतरीन मूवी है। साल एंड है और डंकी के साथ करना चाहिए, सो मैं डंकी देख के आ रहा हूँ। डंकी बहुत ही धमाल मचाएगी, लेकिन ये धमाल वैसा नहीं है, ये आपको थोड़ा सा इमोशनल करके धमाल मचाएगी। बिकॉज अगर देखा जाए, साल भर पूरी एक बोलते ना वॉयलेंस और एक्शन मूवी आई थी, जिसमें ये बहुत ज़रूरी था। एक अगर आप देखोगे ना, तो एक इमोशनल ब्लेंड एक कॉमेडी के साथ। मैं तो कहूँगा कि 2009-2010 में ऐसी कोई कॉमेडी आई थी जो प्रियदर्शनी वगैरह डायरेक्ट करते थे। इस वक्त जो कॉमेडी आप देखोगे, फर्स्ट हाफ एक कॉमेडी है, सेकंड में इमोशनल है, तो कॉमेडी एंड इमोशनल का एक रोलर कोस्टर है। और ये एक मस्ट वॉच मूवी है डंकी, बिकॉज एक बोलते हैं ना, इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक तो सबसे पहले एक्टर एंड डायरेक्टर का डियो है, दैट इज़ किंग ऑफ एक्शन, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, किंग ऑफ डायरेक्शन दैट इज़ राजकुमार हिरानी, किंग ऑफ वॉइस दैट इज़ अरिजीत सिंह, और इतना अच्छा स्टोरी लाइनअप है, तो ये हिट तो ज़रूर जाएगी। अगर देखा जाए तो तप्सी पन्नू का भी बहुत अच्छा काम है ट्रेलर में। मुझे एज अ फैन, मुझे तप्सी पन्नू का इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट तप्सी पन्नू का वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग, और मैं कहूँगा कि एक इमोशनल ब्लेंड है। उसको हमेशा एक्शन मूवी में देखा गया है, एक रफ एंड टफ रोल में देखा गया है, इसमें उन्होंने पूरा अलग रोल निकाला है। एक शाहरुख खान के साथ एक प्रॉपर जोड़ी जो है वो एक डाउटफुल थी, लेकिन इसमें उन्होंने पूरा 100% उसमें वर्थ इट है उसका। डंकी रिकॉर्ड पता नहीं है, बिकॉज कैसा, इस बार दो मूवी क्लैश हो रही है। अगर पिछला बार देखोगे तो जवान एंड पठान जो है वो सोलो रिलीज थी, बट अगर मैं कहूँगा कि ऑडियंस को अगर कुछ नया देखना है, कुछ डिफरेंट देखना है, जो लोग बोलते हैं बॉलीवुड में वही एक्शन, वही फालतू रोमांस और फालतू वालतू है, तो ये मूवी एक मस्ट वॉच है। एक राजकुमार हिरानी का कंसेप्ट है, एक अच्छा है, तो ये जाओ, और एक वर्थ इट मूवी है। एंड डेफिनेटली ये हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तोड़नी चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं देखा जाए तो आउट ऑफ फाइव कम है, तो उसके ऊपर मैं दूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 है, तो 5 ही दूंगा मैं। यस, चक्कर आएंगे, डंकी इज मूवी वेरी गुड एंड फर्स्ट पार्ट इज सुपर्ब। तापसी की एक्टिंग बहुत सुंदर थी और विकी कौशल टू गुड, बहुत अच्छा एक्ट्रेस बन गया है वो। हाँ, शाहरुख खान इज़ वेरी गुड, उसमें तो कोई मतलब बोलने के सवाल ही नहीं होता। तप्सी पन्ना इज़ वेरी नाइस एक्टर, उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल, मतलब एक यंग से फिर एजी में जो नेचुरलिटी, इज़ ऑसम मूवी, और इस मैसेज भी बहुत अच्छा मैसेज है, इज़ गुड मूवी। जब तक है जान तब तक है शाहरुख खान। मैसेज इसमें ये है, जो आप इंडिया में रह के भी, अपनी देश में, अपनी कंट्री में रह के भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए इतनी सारी रिस्क लेके बाहर जाके अपने दुनिया बनाने की, अपने फैमिली छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, हाँ या ना, वो तो नहीं है, बट इज़ अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड मैसेज, डेफिनेटली तोड़ सकती है। सब डायरेक्टर साहब अमेजिंग है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सस्पेंस अच्छा था, मतलब एक होता है ना जो आगे शायद अच्छा, एक छोटा सा लास्ट एंडिंग सैड था, सैड मोमेंट था, वो नहीं होता तो और अच्छा लगता था, बट इज़ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। 10/10, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, दिल को लगी सच में। बहुत अच्छी, एक नंबर। शाहरुख खान अच्छा था, बहुत अच्छा था। बस कुछ नहीं, शाहरुख खान, उसके अलावा कोई नहीं। देखी? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स तोड़ने वाले, थैंक यू जी।
हाँ फाइव में से फाइव बहुत बढ़िया काम कर रहे हो पानी अरे वो किसी और का चल रहा है आजा 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 कटिंग एक मिनट भाई पीछे हट जाओ बीच में से जाओ ब्लॉकबस्टर है बोलोगे तभी मालूम पड़ेगा ना सबको बता दो बस दिखा दो आप बोलो बॉक्स ऑफिस फाड़ डाले खान साहब ने बॉक्स ऑफिस हिला डाले शाहरुख और हिरानी सर के साथ आने की खुशी में केक काटा गया है 20 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है आपको कैसी लगी डंकी भाई मजा आ गया इमोशनल राइड है फन राइड है और देशभक्ति भी है और कॉमेडी भी भर भर के है मजा आ जाएगा 2023 की बेस्ट कॉमेडी मूवी है बेस्ट फैमिली एंटरटेनर ऑफ द ईयर अपने देश से जुड़े रहने का मैसेज दे रही है मूवी और अपने देश को कभी भी मत छोड़ के जाओ ये मिट्टी ही अपनी शान है ये मैसेज देती है हार्डी हरदयाल सिंह शाहरुख खान स्टार्ट से लेकर एंड तक छाया हुआ है हर जवानी के रोल में और बुढ़ापे के रोल में दोनों में उसने अच्छा रोल किया है डायरेक्शन एडिटिंग टॉप नॉच एकदम 4.5 नहीं लिया देखिए पिक्चर में बहुत मजा आया सुबह का जो एक्साइटमेंट था 5:30-6 का वो नया एक्सपीरियंस था फटाका फूटाने केक कटाने पब्लिक 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 इतना अर्ली इन द मॉर्निंग वो भी गुरुवार को तो पिक्चर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ तापसी पन्नू का रोल बहुत अच्छा है शाहरुख खान का रोल अच्छा है बचपन उसका जवानी का और बुढ़ापा का दोनों ने उसने सुपर एक्टिंग की है डायरेक्शन बहुत अच्छा है स्टोरी बहुत अच्छी है सेंटीमेंट्स बहुत डाले हैं कभी कभी मतलब मन दुखी हो जाता है और शिक्षा बहुत अच्छी दी है कि इमिग्रेशन के कायदे छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लालच में वहाँ जाके हमारी क्या हालत होती है वो इसमें दिखाया है तो शिक्षा भी एक और देशभक्ति भी है कि देशभक्ति जो जिस जन्म तुम जहाँ जन्म लिया वहीं मरो तो अच्छा है दूसरी जगह कुत्ते की मौत मरने की जरूरत नहीं है शिक्षा बहुत अच्छी थी पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़े ये नहीं बता सकता हूँ लेकिन लगभग उतनी चलेगी हाँ सस्पेंस आखिरी तक है लास्ट का सस्पेंस बहुत बढ़िया है जो मैं बताना नहीं चाहूँगा बहुत बढ़िया है डायरेक्शन बहुत अच्छा राजकुमार ईरानी का 2-3 पिक्चर कितना डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छा कॉमेडी भी है मज़ा भी आता है और नई तरह का जो रास्ता बताया ना इंडिया पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान सीरिया वहाँ ने वहाँ वो नई तरह के जानने और सीखने की चीज़ है कि कैसे लोग जाते हैं आउट ऑफ फाइव मेरे हिसाब से तो 3-3.5 दूंगा मतलब एवरेज है पिक्चर एकदम सुपर डुपर नहीं है अभी डंकी है अच्छी मूवी है जैसे कि फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा ऐसा लगता है बहुत लेंदी मूवी है थोड़ा पब्लिक बोर हो सकती है लेकिन फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक काम जिसका अच्छा है वो है विकी कौशल इनका उनका कैमियो अपीयरेंस है जो शाहरुख खान और उनके साथ जिनकी पेयरिंग हुई है और जो केमिस्ट्री है बिटवीन शाहरुख खान एंड विकी कौशल दैट्स अमेजिंग उनका बहुत इमोशनल शॉट है जब वो थोड़ी देर के लिए आते हैं 15-20 मिनट्स के लिए आते हैं लेकिन उनका बेस्ट रोल है अब तक का मतलब मैं तो बोलूँगा इमोशनल सीन्स है पहली फिल्म है उनकी एसआरके सर के साथ
तो बेस्ट है, उन्होंने भी अपना काम दिया, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कंपेयर टू एसआर के तापसी, इनकी केमिस्ट्री मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। और पब्लिक कैसा है, पब्लिक को भी मिक्स्ड रिव्यू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पब्लिक थोड़ा अनबन है, कोई किसी को पसंद आ रही किसी को नहीं, तो उसका एक ही मतलब रीज़न है कि फर्स्ट हाफ में उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्क्रीन पर थोड़ा टाइट रखते ना तो हो सकता था। फिल्म थोड़ा लंबी है, 2 hours 45 minutes की फिल्म है, थोड़ा मेरे को लगता है अगर आधा घंटा भी फिल्म का अगर चॉप्ड ऑफ होता तो फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी। लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा पब्लिक बोर इसलिए हुई क्योंकि इंट्रोडक्शन जो सीन है, हर किसी के इंट्रोडक्शन सीन मतलब डाले इसमें राजकुमार रैना ने, तो हर किसी के इंट्रोडक्शन सीन कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, एक एक मतलब एक एक इंसान को कम से कम उन्होंने 15 to 20 minutes का इंट्रोडक्शन सीन दिया है, तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए था। सिर्फ शाहरुख खान और वी कौशल का इंट्रोडक्शन सीन बेस्ट है, बाकी में किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल सेकंड हाफ में फिल्म अच्छी है, सेकंड हाफ में बहुत एकदम बांधे रखती है, एज ऑफ द सीट है, आपको उठने नहीं देगी, एकदम थ्रिलर है और अच्छा एक्साइटेड है, आपके मन में लगता है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट आपके दिल में बरकरार रहती है। तो वही मेरा बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि फिल्म में थोड़ा स्क्रीन पर टाइट रखते ना तो हो सकता था। डायरेक्शन तो वही राजकुमार ईरानी, उनका डायरेक्शन हमेशा अच्छा रहता है, इस बार भी उनका डायरेक्शन एक नंबर है, हमेशा उनका टॉप नॉच डायरेक्शन रहा है, इसमें भी उन्होंने बता दिया कि उनका डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छा है। बस स्क्रीन आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 3.5, मैं इसके लिए कम दे रहा हूँ क्योंकि कैसा मेरे रिव्यू मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा रिव्यू से फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी, ऐसा नहीं है, फिल्म हिट भी हो सकती है फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन कैसा है फिल्म तो हिट होनी है क्योंकि शाहरुख खान का क्रेज़ बहुत है आज के टाइम में और हैट्रिक तो मारेंगे ही, वो फिर से 1000 crore देने वाले इतना है। लेकिन कैसा मेजोरिटी ऑडियंस को फिल्म शायद उतनी पसंद नहीं आए क्योंकि अभी अभी उन्होंने देखी पठान देखी है जो कि फुल एक्शन थी, जवान देखी वो भी एक्शन उसका स्क्रीन पे अच्छा था, सब अच्छा था। इसमें क्या हो गया है ना, अभी देखिए अभी जो जवान थी वो भी लगभग 3 hours की फिल्म थी लेकिन उसमें स्क्रीन प्ले को इन्होंने टाइट रखा था और एक्साइटेड मन में एक एक मतलब शॉट्स रहते थे कि लोगों को एक्साइटेड था मन में। इसमें कैसा वैसे सीन थोड़े कम है लेकिन जितने भी अच्छे हैं ये थोड़े मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए फिल्म नहीं है, ये कुछ कुछ ऑडियंस के लिए, क्लास ऑडियंस के लिए, जो लोग मास मसाला पसंद करते हैं एक्शन पसंद करते हैं उनको शायद फिल्म नहीं पसंद आएगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जिनको राजकुमार ईरानी जो लोग राजकुमार इनको जानते हैं कि वो कैसी फिल्में बनाते हैं उनको फिल्म पसंद आएगी, ऐसा मुझे भी अच्छी लगी फिल्म क्योंकि मैं उनसे पहले से ही उनकी फिल्म देखते आ रहा हूँ, तो मैं तो प्रिपेयर होकर गया था, मुझे पता था कि ये शायद उतनी मसाला फिल्म नहीं हो लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये फिल्म अच्छी होगी। बहुत बड़ा इंटरव्यू हो रहा। बढ़िया थी भाई, ब्लॉकबस्टर मूवी थी मेरे हिसाब से तो, बहुत अच्छी थी, बहुत वेल पेस्ड थी, बहुत वेल मेंटेन थी, इमोशंस, ड्रामा रोमांस, थोड़ा बहुत एक्शन सीन, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली परफेक्ट। ऑब्वियसली वी होप सो, बट इतना हाइप नहीं है जवान जितना, पठान से कम है, जवान से भी कम है, इतना हाइप नहीं है, बट वी वेरी स्ट्रांगली होप कि वो उतना कर पाए, वी होप कि लाइक उससे आधा भी है। बहुत बड़ा सोशल मैसेज दे रही है रिगार्डिंग द नेशनलिज्म, जो लोग अपने इंडिया छोड़ के कहीं बाहर काम करने जाते हैं वहाँ क्या हाल होते हैं उन लोग के, बेरोजगारी में, फिर उनको अपना वतन याद आता है, वो पलट के वापस आता है, दैट इज़ द सोशल मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव। और एक बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने एनरोल किया है उसको पूरी मूवी में, मूवी थोड़ी छोटी हो सकती थी मेरे हिसाब से, थोड़े अनवांटेड सीन्स थे जो कट हो सकते थे, बट ठीक है, अगर राजू ईरानी के दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो ही विल ब्रिंग इन इनटू द स्क्रीन और वो पब्लिक के मन पे बिल्कुल छाएगा। शाहरुख के साथ में मुझे विक्की कौशल का बहुत अच्छा काम लगा, ही वॉज तापसी इज तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, तापसी इज ऑलवेज माई फेवरेट, शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस इन द अंडर रेटेड एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड। सॉन्ग्स तो बहुत बढ़िया थे, थोड़े ज़्यादा है अगर कहना चाहे तो, बहुत ज़्यादा है, हर 3-4 minutes में एक सॉन्ग है जो थोड़ा अवॉइड हो सकते थे, बट इट्स गुड, द सॉन्ग्स आर गुड, बट थोड़े लेंथ उनके कम हो सकते थे। कॉमेडी तो भाई पैसा वसूल है, कम्प्लीटली पैसा वसूल है, मेरी खुद की आवाज़ बैठ गई हंस हंस के। 4.5 थोड़ा सा, जो एक मैं बोला आपको जो नेग्लिजेंस है राजू ईरानी के साइड में और जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जो कॉम्बो शाहरुख और राजू का होने वाला, जैसे हमने आमिर और राजू का देखा था, संजय दत्त उनका देखा था, हमें एक्सपेक्टेशन था कि शाहरुख के साथ भी थोड़ा ऐसा कुछ एकदम बवाल होगा, वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगा, इसीलिए मैं आधा स्टार में काटना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत 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 प्यारी थी, आई मीन अगेन अ टिपिकल राजकुमार हिरानी फिल्म जो आप एक्सपेक्ट करोगे। फर्स्ट हाफ इज एपिक कॉमिक, द विकी कौशल पार्ट कीप्स यू एंगेज इन इमोशंस, बट द सेकेंड हाफ इज अ रोलर कोस्टर, मतलब आप सोच रहे हो, आप रो रहे हो, आप हंस भी रहे हो, एंड इट गिव्स यू द होमली फीलिंग, मतलब ये आप फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, इट इज द ब्रेक फ्रॉम द मास मसाला फिल्म दैट वी हैव हैड। बिल्कुल सोशल मैसेज से ज़्यादा एक वैल्यूएबल मैसेज है फॉर आर ओन सेल्स,
कि आप घर कमाने के लिए निकलते हो बट आप उस घर को सालों तक नहीं देख पाते हो, तो आप ऐसी कमाई का क्या करोगे? सो इट्स बेसिकली जैसे इंटरव्यूज में भी कहा गया था कि इट्स अ लॉन्गेटिविटी, कि आप अपने घर पे जो प्यार है उसको मिस करते हो। सो ये उसकी कहानी कि आप वापस आते हो, ये जाने के से ज़्यादा वापस आने की कहानी है। देखिए स्टार का सारी अच्छी है, बट इफ अगर आप मुझे पूछोगे SRK अनडाउटेडली उनके जो शेड्स यूज किए गए मूवी में बाय राजकुमार हिरानी इज अमेजिंग, एंड विकी कौशल ओ माय गॉड उनका जो पार्ट उन्होंने प्ले किया है, आई मीन यू कुड सिट फॉर द होल मूवी वो एक पार्ट के लिए। उनकी और SRK की एज अ केमिस्ट्री एज एन एक्टर्स बहुत प्यारी रही है, बहुत प्यारी। किनके? विकी कौशल की एक्टिंग अगेन अमेजिंग, आई मीन उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट किया है SRK की एक्टिंग को एंड उन्होंने एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट किया इट्स अमेजिंग अमेजिंग। राजकुमार हिरानी अगेन कट्स प्रॉपर, कुछ हेवाया नहीं लग रहा है कि यार अचानक से ये सीन क्लिक हो गया या फिर ये स्विच हो गया, नहीं, डायरेक्शंस प्रॉपर है, कट्स प्रॉपर है, सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग, लोकेशंस ऑसम है एंड डायरेक्शन इज हैट्स ऑफ राजकुमार हिरानी। सॉन्ग्स ओके, अगर आपको याद हो तो कल शाम को ये सॉन्ग रिलीज हुआ है चलवे वतना, विच इज़ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ द मूवी, क्योंकि वो आपको पहले ही हाफ में ना वो हिट करवा देता है वो जो एहसास घर से दूर रहने का। उसके बाद ओ माही एंड लुटपुट गया पे हम सब ने डांस किया है, हम सब ने नाचा है, पूरा थिएटर झूमा है, तो अगेन द सॉन्ग्स आर ऑसम। मूवी के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स थे यार, मतलब इट वाज अगेन अ कॉमिक मूवी राइट, बट द वन डायलॉग दैट स्ट्रक विथ मी वाज कि मुझे मेरे देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर रहने के लिए मेरे देश के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, दैट थिंग, बिकॉज यू नो वो एक फीलिंग जो आपको अपने कंट्री के लिए भले बाहर जा रहे हो दैट हैज़ टू बी देयर बिकॉज इट्स योर कंट्री, दैट्स व्हाट यू बिलोंग। सो 5 अनडाउटेडली एंड इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड टू ऑल द फैमिलीज फ्रेंड्स लवर्स, सबके साथ आइए और देखिए। थैंक यू सो मच। बस बस मस्त बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया। मुझे शाहरुख खान का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, विकी कौशल का भी हाँ प्यारा था, उनका भी अच्छा। हाँ मुझे सारा पसंद आया, उनका रोल सारा अच्छा लगा मुझे, सॉन्ग बहुत प्यारा था। हाँ अच्छा था सब, मतलब सुपर हिट है जहाँ तक है, मैं फिर से देखने आने वाला हूँ फिर से अभी। हाँ डंकी एकदम डंका बजा देगी, क्रिसमस आ चुका है, न्यू ईयर आ चुका है और शाहरुख खान रेडी है एक नए मूवी के साथ, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजा आएगी, लोगों को देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैसेज देखो लोगों ने क्या मैसेज एक्सपेक्ट किया वो नहीं पता, मुझे एक मैसेज जो लोगों को देना है आपके माध्यम से वो ये है कि डंकी में दिखा है कि लोग एक डंकी रूट यानी एक ऐसा रास्ता होता है जो इलीगली इंडिया से बाहर भारत देश को अलविदा करके लोग जाते हैं बाहर, लोग बाहर जाते हैं सोच के कि हम वहाँ पर जाएंगे पैसे कमाएंगे ये करेंगे, बट इस मूवी में दिखाया है कि जब एक्चुअल लोग जब लंदन पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका क्या हाल है और कहीं ना कहीं फिर उन्हें इच्छा होती है कि हम वापस भारत हमारे देश आ जाए। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी में ये दिखाया गया है कि आप आपके देश में रहकर भी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप इतने ख्वाब बड़े रखिए नहीं, और अगर आप रख रहे हो तो आप जाके उसे अचीव कीजिए। जो मूवी के एंड में दिखाया है कि जो पैसे वाले होते हैं वो पहुँच जाते हैं, उनको सारी चीज़ें मिल जाती है, बट एक पुअर होता है जो एंड में मूवी ख़त्म होती है तब क्लिप्स चलती है कुछ, उसमें बताया कि पुअर होता है जिसके पास वेल्थ नहीं होती, जिसके पास मनी नहीं होता है, वो ऐसे रूट से जाके और अपनी जान गंवा देता है। तो मैसेज यही है कि एक स्वीट सिंपल सी ज़िंदगी आप अपने यहाँ पर भी रहकर जी सकते हो और सारे लोग ने मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे कोई बॉलीवुड पे मूवी नहीं बनी है। सीन तो मुझे वो जो चलवे वतना सॉन्ग था वो बहुत अच्छा लगा, एंड जो क्लाइमेक्स पे एक सॉन्ग बजा है सोनू निगम जी का बहुत बहुत अच्छा है, आई थिंक सो दास्ता ओम शांति ओम का जो एक सॉन्ग था ओम शांति ओम में जो सारी मूवी को डिस्क्राइब किया था वो गाना, और आई थिंक सो उसके बाद शायद ये वाला सॉन्ग है जो डिस्क्राइब करता है उनकी जो पूरी मूवी में उनकी जर्नी थी वो एक सॉन्ग में डिस्क्राइब हो जाती है कि बड़ी दूर से आए हैं। डायरेक्शन राजू हिरानी सर, एज ऑलवेज कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, और एक डेडली कॉम्बो वापस आया, फर्स्ट टाइम SRK और हिरानी एक साथ आए हैं, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट नया है, लोगों को अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ टाइम है 4 स्टार देना चाहूँगा, वेलकम। अरे सिनेमा हॉल से बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और हम लोग हंसे भी रोए भी, सब था उसमें डंकी में, रोमांस एक्शन भी थोड़ा सा था, कॉमेडी ड्रामा एवरीथिंग, एंड ऐसा क्योंकि एक्टिंग तो बेस्ट, एंड राजू राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा।
उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हम नहीं बताएंगे, आप जाइए मूवी देखिए, हाँ। तो वो सोशल मैसेज आपको समझ आएगा किस तरीके से बताने की कोशिश की है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे, एसआर के खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वही होगा ना, होने वाला है। शाहरुख खान ऑब्वियसली, हम सुबह 6-4 बजे से आके आए, सारे अच्छे सब खान। हम लोग का थोड़ा सा दिल उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा धड़कता है, तो ऑब्वियसली शाहरुख खान पहले आएंगे। उसके बाद सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सबका नेचुरल एक्टिंग, ऐसे कुछ बनावटी नहीं, ओवर नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्टली ब्लेंड था, सो इट्स अ नाइस मूवी। बहुत सारी है, आई कैन जस्ट कंटिन्यू, यस दैट वॉज अ वेरी थिंग। एंड वो जो रोमांस दिखाया ना, एवरी वन क्रेव्स फॉर इट, एवरी गर्ल विल डीम फॉर दैट टाइप ऑफ रोमांस, कि हाँ बंदा वेट कर रहा है एंड ही कैन फाइट फॉर यू, नाइस। 5 बहुत कम बोले आपने, और ज़्यादा इन्फिनिटी कर लो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक एक्चुअली वॉन्ट अ रेटिंग, सो 5 out of 5 फॉर मी इट्स अ 5 out of 5। थैंक यू। बहुत अच्छा, रुक जा भाई रुक जा, आई हेट यू सैम। बहुत अच्छी मूवी है, अमेजिंग, सबका स्पेशली शाहरुख खान, उनको तो कोई भूल नहीं सकता, यू कांट कीप हिम असाइड, इट्स वेरी नाइस। आज शाहरुख खान से हटना चाहिए ना, फैन हूँ मैं उसकी, उसके अलावा मतलब एवरीथिंग इज गुड, सबका काम बहुत अच्छा है, बट शाहरुख के लेवल अप, सो सी एवरीथिंग इज नाइस, आई कांट टेल यू वन, नो थैंक्स, बट एवरीथिंग इज रियली अमेजिंग। ओ माही वो ज़्यादा अच्छा है, एवरीथिंग लाइक कांट एक्सप्रेस इट राइट, सॉरी सी, अगर 10 या 100 में से स्टार्स देने होते तो मैं 10 भी दे देती, 100 भी दे देती, तो आउट ऑफ 5 है नहीं बोल सकती, 5 out of 5 है। बहुत अच्छी लगी डंकी में, पूरी मूवी अच्छी है, बहुत फनी मूवी है। शाहरुख खान, शाहरुख सर, वो उनको कौन देखता है, मतलब फोकस तो उन्हीं पे रहता है, बट सब सबकी एक्टिंग अच्छी थी, सब बहुत फनी है, बहुत पूरी मूवी फनी है, इमोशनल है, हार्ट टचिंग है। शाहरुख खान का डायलॉग डंकी में नहीं, डायलॉग तो नहीं, गाना लुटपुट गया, गाना बेस्ट, राजकुमार सर, 10 stars, 5 out of 10 stars, वेलकम। सुपर हिट, बेस्ट सुपर हिट एंड डार्क हॉर्स ऑफ 2023, क्योंकि डार्क हॉर्स की इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये ग्रो करेगी फिल्म, फैमिली आएंगे देखेंगे एक साथ जाएंगे, ये नहीं कि 3 दिन में बिजनेस क्या चला गया, ये फिल्म चलेगा तीन महीना चलता है, फैमिली विल कम एंड गो एंड वो लॉन्ग रन के लिए, तो आई विल कॉल इट डार्क हॉर्स ऑफ 2023। मैं अगर एक चीज़ बताऊँ तो कि अगर आप ट्रेलर देखकर यहाँ पर इंटरव्यू देखने आए हैं तो आपको लग रहा हो कि ट्रेलर ठीक है, मतलब इस बार शायद उतनी अच्छी नहीं होगी मूवी, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसका उल्टा है, ट्रेलर में बहुत कुछ नहीं डाला गया है, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, करेक्ट। हाँ ऑफकोर्स उसने यही बताया, डंकी मतलब अपनों से दूर रहना, हम लोग सब हम फील करते हैं घर से दूर आते हैं, मैं भी कोलकाता का हूँ, मैं मुंबई आके जॉब करता हूँ, तो हम लोग को घर जाने का जो खुशी मिलता है, वो जो जाके जितना खुशी मिलता है, जाने के वक्त जितना खुशी मिलता है, तो ये मूवी में सेम कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल है, बट सब नेशनल हो इंटरनेशनल कहीं भी हो, घर से दूर रहना कोई डंकी बोलते हैं, तो मैं फील किया वो मूवी, तो यही मैसेज है और बहुत बढ़िया मैसेज है। विकी कौशल का काम अच्छा है, शाहरुख खान सर तो ऑलरेडी है ही, बट विकी कौशल का काम अच्छा है, तापसी पन्नू का भी काम अच्छा है, लोग बोल रहे कि दीपिका पादुकोण अगर शाहरुख सर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट अगर मैं ड्रामे के हिसाब से देखूं तो वो तापसी पन्नू ने बहुत अच्छा काम किया है, दोनों के साथ में ठीक ही लग रहा है, मतलब इट्स गुड ओनली। शाहरुख की फिल्म को हम स्टार नहीं दे सकते, वो खुद यूनिवर्स है, यही बोलना चाहेंगे, सेम यूनिवर्स है, सेम सेम, हम लोग सेम सेम है, थैंक यू।